OnePlus 6T एक शानदार फ़ोन है, जैसे कि आपको पता होगा उसका जो कैमरा, उसका स्क्रीन और उसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो 0.34 सेकंड में अनलॉक हो जाता है। वाह, परफेक्ट नहीं रहता। जैसे कि आपको पता है हर फोन परफेक्ट नहीं रहता, सबका कोई ना कोई बैड थिंग रहता है। तो आज के इस वीडियो में वही OnePlus 6T के बैड थिंग के बारे में बात करूंगा। तो क्या है जल्दी से बताता हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो देखने में तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो हे गाइस, व्हाट्सअप है, मैं अर्शद गोपाल। ओके, सो जो इसका पहला बैड थिंग ये है कि इसमें आपको ऑडियो जैक नहीं मिलेगा। इसमें 3.5mm का ऑडियो जैक नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको टाइप सी एक एडाप्टर ऑडियो जैक लगा के आपको सुनना पड़ेगा, या फिर एक और ऑप्शन है आपके पास कि आप OnePlus का जो ऑफिशियल ईयरफोन है उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी काफ़ी लोगों को 3.5mm जैक की आदत है, यानी उनको वायर वाला ईयरफोन ही अच्छा लगता है। धीरे धीरे आदत पड़ ही जाएगा, जैसे कि मैं आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया हूँ। ओके, सो सेकंड बैड थिंग है वो है नोटिफिकेशन लाइट। मानता हूँ इसका जो ड्यू ड्रॉप नॉच है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसमें अगर नोटिफिकेशन LED लाइट रहता तो और अच्छा रहता। कैसे, जैसे कि आप आ रहे हैं कहीं से और आपके नोटिफिकेशन आए तो आप उसे उस टाइम के लिए बंद कर रहे, लेकिन बाद में चेक करना है तो वहाँ पर अगर LED पॉपअप होते रहेगा तो हाँ, आपको याद आएगा कि एक नोटिफिकेशन आया करके। और वहीं ये चार्जिंग में भी सेम काम करता है, अगर का फ़ोन चार्जिंग नहीं है तो रेड दिखाएगा और जैसे ही चार्जिंग हो जाएगा तो आपको फ़ोन को बिना ऑन किए आप देख सकते हैं कि अब ग्रीन हो चुका है, अब ये फुल चार्ज हो चुका है करके। लेकिन इसमें LED लाइट नहीं है जिसकी वजह से आप ये नहीं देख पाएंगे, तो ये भी एक बैड पॉइंट है। ओके, सो जो नेक्स्ट बैड थिंग है वो है कि इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगा। हाँ, इसके साथ डेस्क चार्जिंग मिलता है जो कि फास्ट चार्जर है, लेकिन अभी जैसे कि एक प्रीमियम स्मार्टफोन है, फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, तो इसमें वायरलेस चार्जिंग देता जो कि आजकल का ट्रेंड है तो और काफ़ी अच्छा रहता। ओके, हालांकि ये बात है कि ये वाटर रेजिस्टेंट और डस्ट प्रूफ है, लेकिन ये बिना किसी IP रेटिंग के आता है। IP रेटिंग जैसे कि आईफोन XS मैक्स है वो IP68 है, यानी वो इसका मतलब वो अच्छा खासा वाटर रेजिस्टेंट और डस्ट रेजिस्टेंट फ़ोन है, लेकिन ये बिना किसी IP रेटिंग के साथ आता है। तो बस ये थे उसके बैड पॉइंट, बाकी तो ये फ़ोन अच्छा है, दिखने में भी काफ़ी अच्छा दिखता है। और खासकर इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि डिस्प्ले में, जो कि 0.34 सेकंड में लॉक होता है, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो एक हिसाब से बोला जाए तो ये फ़ोन भी काफ़ी अच्छा है, कुछ चीज़ें छोड़ के। लेकिन बस यार, बोलते हैं ना, हर फोन परफेक्ट नहीं रहता, उसी तरीके से ये भी फोन है। तो बस यार, ये था वीडियो। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई एम अर्शद गोपाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ।